देखिए ये दुनिया उम्मीदों की भरोसा में रहती है तो हम उम्मीद करते हैं इसरो इंजीनियरों ने उतना प्रिकॉशन लिए होंगे जितना पॉसिबल कोशिश किए होंगे जब बाहर का टेम्परेचर माइनस एक तीस डिग्री भी हो जाए जब चांद का जब रात होती है तो तभी भी अंदर का टेम्परेचर अंततः तो माइनस तीस डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा मेंटेन किए होंगे थर्मल मैनेजमेंट से जो भी है अभी उसमें अभी जो डिज़ाइन एक बात है कभी कभी उसमें पेलोर भी होती है तो हमको पता नहीं बट ये इसरो वालों ने डिज़ाइनर ने ये सक्सेसफुली इसको अंदर का टेम्परेचर थोड़ी भी मेंटेन किए होंगे तो मेरे ख्याल पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब नहीं होगी तो आज जगने का चांस है ऑलरेडी सुबह छः बजे से उधर का इंडियन टन फाइव थर्टी यू, यूटी से ये उधर दिन चालू हो गए बट उधर भी जो सूरज उठता है करीबन छः से नौ डिग्री एलिवेशन एंगल जब होगी तब भी वो सोलर पैनल काम करेगी सोलर पैनल बैटरी चार्ज करेगी उसका बाद ही इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन चालू हो सोगे सभी सभी चीज़ सही सलामत जाती है तो हमारा जो चंद्रयान तीन गए थे उसका जो विक्रम बिक, लैंडर और रोवर प्रज्ञान था उसका लाइफ पीरियड चौदह दिन था तो चौदह दिन के लिए इसको डिजाइन किया गया था तो चौदह दिन के बाद ये स्लीप मोड में चले गए थे क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो जाते रात नाइट टाइम में वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाते माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाते तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पावर सप्लाई के लिए जो बैटरीज है वहाँ उसके अंदर जो केमिकल्स है रसायन है उसका जो काम करने का तरीका या प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है तो संभवतः तो बैटरी और काम नहीं करेगा कुछ साइंटिस्ट का ये मत है तो बैटरी काम नहीं करेगा तो कोई भी पावर जनरेशन नहीं हो पाएगा तो कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा अगर ये टेम्परेचर को ऊपर जा बैटरी काम करना शुरू करेगा तो पहले ये सूर्य के किरण से चार्ज होगा जब सूर्य नौ डिग्री ऊपर आ जाएगा वो और कुछ घंटे में हो जाएगा फिर चार्ज होने के बाद वहाँ से सिग्नल आएगा कम्युनिकेशन होगा धीरे धीरे एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट काम करने का उसको कोशिश किया जाएगा देखिए जो हमारा था चौदह दिन काम करने के बाद जब अंधेरे आने से पहले ये रोवर को घुमा के उसका जो सौर पैनल है सोलर पैनल है उसको हम ईस्ट ओवर रख दिया है तो इसको टिल्ट ऐसे रहा है कि जब आठ नौ डिग्री ऊपर आ जाएगा सन उसके बाद वो चार्जिंग होना शुरू होगा और ये जो पोजीशन है वहाँ से फिर वो काम करना शुरू करेगा और लैंडर जो पोजीशन में है वहीं पे है आप लैंडर का कुछ एक्सपेरिमेंट में किए थे हमने कुछ ऑपिंग एक्सपेरिमेंट तो लेकिन वो सुरक्षित उधर है उसका भी जो पैनल है वो ईस्टर्न डिरेक्शन में है जब सूर्य ऊपर आएगा फिर कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर चार्जिंग होगा उसके बाद कोशिश किया जाएगा कि वो काम करने के लिए सक्सेस हो गया तो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा भारत के लिए देखिए ये सक्सेस हो जाएगा तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा क्योंकि भारत पहले ऐसे देश होगा जो साउथ पोल में चौदह दिन स्लिप मोड के बाद फिर दोबारा कोई भी जान को एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करने के बाद फिर उसको काम करने के शुरू किए हैं